घोड़ाडोंगरी विधानसभा के विधायक एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने अनुविभागीय अधिकारी के नाम दिया ज्ञापन। किसानों को दी जाने वाली प्रधानमंत्री सम्मान निधि की राशि के संबंध में कांग्रेसियों ने SDM को सौंपा ज्ञापन। रखी अन्य मांगे। खबर शाहपुर से। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार मिश्रा ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि शाहपुर तहसील के अंतर्गत ग्रामों में दी गई प्रधानमंत्री सम्मान निधि की राशि तहसीलदार के द्वारा नोटिस देकर किसान सम्मान निधि की राशि वापस मांगी जा रही है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि शासन से किसी भी किसान ने सम्मान निधि की राशि नहीं मांगी गई थी, जबकि शासन के द्वारा किसानों के खाते में यह राशि आनन फानन में डाली गई थी, जबकि अब 15 से 20 हज़ार तक की राशि के नोटिस गरीब किसानों को थमाए जा रहे हैं। एवं कुछ किसानों का कहना है कि हमारे खाते में 2,000 रुपये की राशि आई है और शासन की ओर से 10,000 तक के नोटिस भी दिए जा रहे हैं। कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपकर जो नोटिस जारी किए गए हैं उन्हें निरस्त किए जाने की मांग की गई है एवं वसूली पर भी तत्काल रोक लगाए जाने की मांग की गई है। एवं अन्य मांगों में भाजपा सरकार के द्वारा समय पर बिजली नहीं दी जाने के आरोप भी ज्ञापन के माध्यम से लगाए गए हैं। विद्युत विभाग को किसान में द्वारा समय पर पर्याप्त बिजली नहीं दी जा रही है, जिसमें कि किसान परेशान है। उन्होंने किसानों को समय पर बिजली दिए जाने की मांग भी की गई है। एवं अतिवृष्टि कीट प्रभाव से फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है। इस संबंध में बैंक द्वारा फसल बीमे की राशि खाते से काटी गई थी, परंतु बीमे की राशि का मुआवजा किसानों को अभी तक नहीं मिला गया है। इस तरह के अन्य ज्ञापन आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा SDM को दिया गया है।